तमिलनाडु प्रीमियर लीग जिसको आप TNPL के नाम से भी जानते होंगे, उसकी एक टीम सलीम स्पार्टन जिसके ओनर का नाम एम सलवा कुमार है, उनके अगेंस्ट एक स्कैम हुआ है जिसकी कंप्लेंट उन्होंने CCB1 पुलिस स्टेशन चेन्नई में फाइल की है और उसमें उन्होंने 4 लोगों के नाम भी दर्ज किए हैं, जिसमें से एक नाम IPL खेले हुए खिलाड़ी जिन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेला था रॉबिन बिष्ट है और दूसरा नाम आकाश सुमरा है। अगर हम आपको पूरे मैटर के बारे में बता दे तो रॉबिन और आकाश ने एम सलवा कुमार को 2 लोगों से मिलवाया था जिनका नाम सतीश कुमार और नितिन खोकर था और उन्होंने ये दावा किया था कि उन दोनों के पास कैरेबियन प्रीमियर लीग टीम के शेयर हैं और वो चाहते हैं कि एम सलवा कुमार भी उसमें इन्वेस्ट करें, जिसमें जब एम सलवा कुमार कन्विंस हुए और उन्होंने इन्वेस्ट करा तो उन्होंने 6 करोड़ रुपए उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिए, जिसके बाद जब एम सलवा कुमार को पता लगा कि उनके साथ एक फ्रॉड हुआ है, उनके साथ एक स्कैम हुआ है, तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने चाहे तो उसमें से एक इंसान ने उनको लाइव थ्रेट के भी धमकी देनी शुरू कर दी, जिसके बाद एम सलवा कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने पुलिस में एक कंप्लेंट फाइल कर दी। इसके बाद जब रॉबिन बिष्ट का नाम भी उस कंप्लेंट में दर्ज हुआ तो रॉबिन बिष्ट को जब ये बात पता लगी तो उनको भी काफी शॉक लगा, जिसके बाद उन्होंने बोला कि वो एम सलवा कुमार सर से बात करना चाहेंगे और वो बताना, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बस उनको मिलवाया था उनसे, उसके अलावा उनका कोई उनसे कोई पर्सनल संबंध नहीं था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सतीश कुमार और नितिन खोकर ने उन दोनों को अप्रोच किया था, रॉबिन बिष्ट को और आकाश सुमरा को अप्रोच किया था और उन्होंने बताया था कि उनके पास कैरेबियन प्रीमियर लीग के शेयर्स हैं और वो चाहते हैं कि एम सलवा कुमार भी इन्वेस्ट करे, जिसके बाद उनकी मीटिंग चेन्नई में भी हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास 27% शेयर है उस टीम के और साथ ही साथ उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे, जिससे तीनों लोग कन्विंस हो गए थे कि ये जो बात हो रही है ये लगभग सच ही है। जिसके बाद सतीश कुमार और नितिन खोकर ने ये भी बताया कि अगर वो 22 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं और स्टार्टिंग में वो 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें 25% शेयर मिल जाएंगे। साथ ही में एक FIR में एक और नाम भी दर्ज था जिसका नाम सैम था और उनको सतीश और नितिन ने क्रिकेट एजेंट के नाम पे इंट्रोड्यूस किया था और साथ ही में ये बताया था कि ये दुबई में रहते हैं और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी यही हैंडल करेंगे। जिसके बाद रॉबिन और आकाश ने एम सलवा कुमार को कन्विंस किया और बोला कि अगर कोई भी आगे दिक्कत होती है तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिससे इसी वजह से FIR में उन दोनों के नाम भी दर्ज है। तो ये रिपोर्ट थी पूरी, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपका क्या कहना है कि क्या रॉबिन बिष्ट का जो नाम आया है इस रिपोर्ट में क्या वो सही है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अभी के लिए धन्यवाद।